हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी इमेज या शेप में सॉफ्ट एज इफेक्ट कैसे लगाते हैं। बहुत ही आसान से स्टेप्स में समझेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर इससे पहले कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोज देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर ये इमेज हमने ली हुई है। आप कोई शेप ले सकते हैं या इमेज ले सकते हैं, जो मर्जी ले सकते हैं। मैं एक इमेज पर ये बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी इमेज है या शेप है उसको सेलेक्ट करना है। तो बीच में कहीं पर भी क्लिक करिए तो ये देखिए चारों तरफ ये छोटे छोटे सर्किल जो दिखाई पड़ रहा है, ये बता रहे हैं कि ये इमेज जो है वो सेलेक्ट हो गई है। सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद आपको एक नया टैब मिलता है पिक्चर फॉर्मेट का। ठीक है, ये टैब आपको तभी दिखाई पड़ेगा जब आप इमेज सेलेक्ट करेंगे। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इस पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक कर दीजिए तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जस्ट नीचे देखिए, यहाँ पर पिक्चर इफेक्ट का ऑप्शन है, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए ये है सॉफ्ट एजेस का ऑप्शन। यहाँ कर्सर ले जाइए और अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा सॉफ्ट एज आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि ये वाला हमने ले लिया, इस पर क्लिक किया तो ये देखिए सॉफ्ट एज इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो गया।